हे व्यूअर्स, वेलकम टू इस स्टडी क्लासेस। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेके आई हूँ मैं, बेसिकली झारखंड बोर्ड के लिए, जो इस बार झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों को एक अपडेट मिल चुका है। काफ़ी दिनों से मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं थे कि दीदी आप झारखंड बोर्ड के ऊपर क्यों बातचीत नहीं कर रही थी, सिलेबस के ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रही थी। सो देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आज सुबह सुबह ही झारखंड बोर्ड की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ सुनाई गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को न्यूज़ पढ़ के सुना रही हूँ कि झारखंड में 12वीं तक के सिलेबस में अहम बदलाव, सीएम हेमंत सोरेन की मिली मंजूरी। तो हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से, हेमंत सोरेन के तरफ से हमें एक मंजूरी पारित कर दी गई है कि झारखंड बोर्ड में 40% तक की कटौती हो सकती है झारखंड सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो इस साल के लिए एग्जाम देंगे उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो आप लोगों का जो अपडेट है वो आप लोगों को शुक्रवार तक, शुक्रवार यानी लगभग 13 नवंबर तक आप लोगों को जानकारी पहुंच जाएगी आप लोगों तक कि कौन सा चैप्टर हटाया जाएगा, कौन सा चैप्टर नहीं। और एक अच्छी बात है, कही गई है कि जो चैप्टर्स में यानी सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं तो उसके लिए एक क्वेश्चन पैटर्न जारी किया जाएगा, मॉडल पेपर। तो इससे आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा कि किस प्रकार, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। जो चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से अभी से क्लियर करना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो अगर आप लोगों को झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितनी संख्या में है। और अगर आप लोग चाहें तो मैं बना सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो झारखंड बोर्ड में आप लोगों के दोस्त हैं, उससे उन्हें बिल्कुल शेयर करना। उन्हें भी राहत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी कि यार हमारा जो है सिलेबस है उसमें 40% तक की कटौती की गई है। सो शुक्रवार तक आप लोगों को मिल जाएगा संशोधित सिलेबस, शिक्षकों के पास भी आप लोगों के पास चला जाएगा। और यहाँ पे एक साइट का नाम बता रही हूँ मैं, साइट का नाम है ई विद्या वाहिनी पोर्टल। तो झारखंड बोर्ड जो है इस साइट में, ई विद्या वाहिनी पोर्टल या ऑफिशियल वेबसाइट है शायद झारखंड बोर्ड का, तो उसमें सारा अपडेट्स आप लोगों को देते रहेंगे और मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, तो कुछ भी बात होती है, दिक्कत होती है तो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो चाहिए तो आप लोग बताना, वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी मैं। और अगर आप लोगों को शुक्रवार तक कुछ भी अपडेट चाहिए, मतलब शुक्रवार के बाद जो सिलेबस आप लोगों के पास सामने आएगा संशोधित सिलेबस, उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल जाए। सो बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना।